भाई आप वहां हैं। मैंने कहा वहां से पानी लेकर आओ, आप वहीं मौजूद हैं। यू विल ब्रिंग वाटर फॉर मी, यू विल ब्रिंग, आप लाएंगे ना सिर्फ, लेकिन आप यहां हैं। मैंने कहा जाकर पानी लाओ, यू विल गो फॉर वाटर एंड ब्रिंग इट। जाकर लाना पड़ेगा तो कहेंगे फैच, आई बात समझ में? ये फर्क है, ब्रिंग और फैच में ये फर्क है। पानी भरकर लाया करते थे फॉर विडोज। विडो किसे कहते हैं? विधवा। उर्दू में कहते हैं बेवा, विधवा हिंदी में कहते हैं बेटा, जिनके हस्बैंड मर चुके हों उन्हें बेवा कहते हैं, बेवा औरतों के लिए। एंड नेबर्स, नेबर्स किसे कहते हैं? हमसाए, पड़ोसी। क्यों सामने वाले नहीं होते क्या? खाली बराबर वाले होते हैं हमसाए। हु वर वेरी ओल्ड, जो बहुत बूढ़े थे। एंड हैड नो वन टू डू द वर्क फॉर देम, जिनके लिए, जिनके पास कोई था ही नहीं काम करने वाला। जाहिर है ऐसी बेसहारा बेवाओं और पड़ोसियों के लिए वो जाकर पानी भर के लाया करते थे। ठीक है। वंस हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कैरीड अ लार्ज सैक ऑफ फ्लावर फॉर नीडी फैमिली ऑन हिज शोल्डर्स। एक बार हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया? आटे की एक बड़ी सी बोरी, थैला अपने शोल्डर्स पर, शोल्डर्स कांधे पर उठाई एक जरूरतमंद खानदान के लिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लेबर्ड इन द गार्डन। लेबर, लेबर का मतलब क्या होता है? हाँ, मेहनत करना, मजदूरी करना। लेबर का असल मतलब है मजदूरी करना। और मजदूर को क्या कहते हैं? मजदूर को क्या कहते हैं? लेबरर, मजदूर, याद रखना। हम तो मजदूर को ही लेबर कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है। हाँ, ऑफ अ जीव। जीव किसे कहते हैं? हाँ, जीव कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल जे से लिखा जाता है, यहूदी को कहते हैं। एक यहूदी के बाग में, गार्डन ऑफ अ जीव, एक यहूदी के बाग में मजदूरी करते थे। एंड गिव अवे हिज वेजेस इन चैरिटी। बेटा गिव अवे का मतलब क्या है? बांटना, गिव अवे, बांट देना। ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप ये किताबें इन स्टूडेंट्स में बांट दें, यू विल गिव अवे द बुक्स अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है। गिव अवे, बांटना, बांट दिया करते थे वेजेस। वेजेस क्या होता है? उजरत। हाँ, उजरत कहते हैं मेहनत की जो कमाई होती है उसको, मजदूरी के बाद जो पैसे मिलते हैं उसे उजरत कहते हैं, वेजेस। देखो एक चीज होती है सैलरी। सैलरी क्या होती है? तनख्वाह। तनख्वाह जो है बेटा ये महीने की होती ना, वेजेस, वेजेस घंटों की या दिनों की या हफ्तों की होती है, इसे दिहाड़ी कहते हैं। हिंदी में दिहाड़ी कहते हैं, उर्दू में उजरत कहते हैं। ये डेली वेजेस भी होती हैं, वीकली वेजेस भी होती हैं, वेजेस पर आवर भी होती हैं, आर्ली वेजेस। ठीक है। लेकिन जो मंथली होगी वो सैलरी कहलाएगी। चैरिटी किसे कहते हैं? चैरिटी, हाँ जी, चैरिटी कहते हैं खैरात। हाँ, खैरात। तो हजरत अली बाग में, यहूदी के बाग में मजदूरी करते थे और जो उजरत मिलती थी वो रोजाना बांट दिया करते थे खैरात में। ठीक है। रुखसाना ने पूछा, कहा आई एम श्योर देयर मस्ट बी मैनी सच अदर एग्जाम्पल्स इन आर हिस्ट्री,
मुझे यकीन है हमारी तारीख में और भी बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद होंगी। अंकल इनायत ने कहा, यू आर राइट रुखसाना, तुम दुरुस्त कह रही हो रुखसाना। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बेटा ये बुक में मिस प्रिंटिंग है, सही कर लो। रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और अन्हा, ये आता है मुजक्कर के लिए और ये आता है मुअन्नस के लिए, यानी मेल के लिए अनहो आता है, फीमेल के लिए अनहा आता है। बुक में यहां भी अनहो लिखा हुआ, करेक्शन करो, ठीक है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाह ताला अन्हा कौन थी, कौन है उस बड़ी हस्ती जिसका जिक्र अभी मैंने किया था, उनकी शहजादी, उनकी बेटी, उनकी शहजादी, यानी ये वो बेटी थी कि जब वो आया करती थी हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस बेटी के लिए खड़े हो जाते थे, जिसके लिए अल्लाह का महबूब खुद खड़ा हो जाए उसकी क्या इज्जत व तकरीम होगी, है ना। फेच्ड वाटर, पानी भर के लाया करती थी घर के लिए। तुम लोग तो एक बाल्टी पानी नहीं उठा सकते, है ना। ग्राउंड कॉर्न, अब सुनो भाई, ग्राउंड का मीनिंग क्या है बेटे, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, ये वर्ब है, इसकी तीनों फॉर्म्स लिखा हो। ग्राइंड का मतलब होता है हाँ पीसना, और ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। V1, V2, V3 का मतलब विटामिन्स नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। कॉर्न किसे कहते हैं, कॉर्न, मकई। सुनो बेटे, हम जिस रीजन में रहते हैं साउथ एशिया में, ख़ास तौर से समंदर के साहिल पर रहने वाले और मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग, यानी सिंध और पंजाब, यहाँ के लोग गंदम की रोटी खाते हैं, क्योंकि यहाँ हम ज़मीन पर रहते हैं, ज़मीन पर नरम मिट्टी होती है, या गंदम उगता है या चावल उगता है ना। लेकिन जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, बुलंदी पर, या रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं, सहराई इलाकों, वहाँ गंदम उग नहीं सकता, मकई हर जगह उग जाता है। तो अरब में भी मकई उगता है, गंदम नहीं उगता, क्योंकि सहरानुमा है, सहरानुमा है, पेनिनसुला है, तीन तरफ समंदर है उसके, और दरमियान में जो इलाका है वो सहरानुमा है, सहराई रहते हैं या पहाड़ी इलाके। देखो ना सऊदी अरब में, इतने से सऊदी अरब के अंदर पहाड़ी पहाड़ है, जबल अरफात है, जबल ओहद है, फला जबल है, फला जबल, जबल कहते हैं पहाड़ को, इतने पहाड़ हैं, सिर्फ मक्का और मदीना में ही इतने पहाड़ हैं जो आप हैरान हो जाएंगे, है ना। सफ़ा और मरवा की पहाड़ियां हैं तो हरम के अंदर हैं, है ना। अरफात की पहाड़ी है वो भी हरम के अंदर है, मस्जिदुल हराम के अंदर तीन पहाड़ हैं, हरम क्यों कहते हैं ना भाई। फिर जबल ओहद है, इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, ठीक है ना। तो पहाड़ी पहाड़, अब पहाड़ी इलाके में गंदम कैसे उगेगा भाई, नरम मिट्टी थोड़ी है, मकई उगाया जाए, भुट्टा होता ना, भुट्टा कौन ये उगाया, अजान हो जाए फिर बात कर। ग्राउंड कॉर्न, मकई पीसा करती थी आटा बनाने के लिए,
मकई की रोटी खाई जाती है वहां। एंड स्वेप द हाउस, और पूरे घर की सफाई फरमाया करती थी। कैलिफ उमर बिन अब्दुल अजीज, खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रिफ्यूज्ड टू हायर अ सर्वेंट टू हेल्प हिज वाइफ। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी ने उससे कहा कि घर के काम काज करने के लिए एक नौकरानी रख दीजिए तो मेरी मदद कर देगी वो। उसने कहा नहीं, बैतुल माल में जो पैसा है वो अवाम की अमानत है, वो मैं अपने ऐशो आराम के लिए खर्च नहीं कर सकता। ऐसे हुक्मरान थे पहले, ठीक है ना। एट द टेबल, टेबल किसे कहते हैं भाई? यहाँ टेबल का मतलब क्या है? मेज। बेटा टेबल का मतलब एक्चुअली यहाँ पर है, दस्तरखान को भी टेबल कहते हैं। ठहर जाओगे हैं? सुफरा अरबी में कहते हैं, हाँ वो अरबी का लफ्ज है। और दस्तरखान और सुफरा में एक फ़र्क है, सुफरा में जो है ना बर्तन की ज़रूरत नहीं होती आप, चावल जो हैं आप सुफरा पे ही निकाल देते हैं, वहीं रखे करते हैं प्लेट के बगैर। अच्छा जी,